हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप। ये एक चाइनीज स्टार्टर रेसिपी है, पर मैं इसे अपने तरीके से बनाना बताऊंगी, जिससे ये रेसिपी और भी स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए मैं यहाँ चिकन लॉलीपॉप के कुछ पीसेज ली हूँ। इसे मैं अच्छे से धो ली हूँ। अब इसमें कुछ मसाले मिला देंगे। तो एक बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो नॉर्मल लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे या फिर स्वादानुसार नमक डाल देंगे, और एक छोटा चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। अब सभी को अच्छे से मिला देंगे। अगर चिकन लॉलीपॉप का मार्केट जैसा कलर चाहिए तो आप लोग इसमें फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इसे बिना फूड कलर के ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से मिल चुका है। तो अब इसे 40 से 45 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो आप इसे फ्रिज में या फिर फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। तो कवर कर देते हैं इसे। 40 मिनट बाद एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें 4 बड़ा चम्मच मैदा ले लेंगे, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। तो याद रखें कि जितना मैदा लें उसका आधा कॉर्नफ्लोर लें, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच नमक ले लेंगे। तो नमक का इस्तेमाल कम ही करेंगे, क्योंकि चिकन लॉलीपॉप के मैरिनेशन में भी नमक डाला हुआ था। तो मिला लेंगे सभी को अच्छे से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सेमी थिक बैटर तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो ये देखिए, बैटर बन के रेडी हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें तेल डाल देंगे। फैला देते हैं तेल को। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और चिकन लॉलीपॉप को मैदे के बैटर के अंदर अच्छे से डिप करके इसे तेल में डाल देंगे। तो अच्छे से कोटिंग लगा देंगे मैदे की। ये देखिए, मैदा होने के कारण ये कढ़ाई से हल्की चिपक जाती है। तो इसे हल्का सा इस तरह से छुड़ा देंगे। अब इसे लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। पलट देते हैं इसे। तो ये देखिए, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो दूसरे साइड से भी इसे अच्छा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। तो लो फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि जो चिकन है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं, चिकन लॉलीपॉप चारों तरफ से बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है। तो अब इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। सेम प्रोसेस से सेकेंड बैच भी तैयार कर लेंगे। तो एक एक करके लॉलीपॉप तेल में डाल देंगे। बस एक चीज का ध्यान रखें कि फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम लो ही रहना चाहिए, ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से पक सके। पलट देते हैं इसे। एक बैच तैयार होने में 5 से 7 मिनट लग जाता है। तो ये देखिए, अभी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे भी दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 2 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे, और तेल के गर्म होते ही 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन डाल देंगे, और इसे कुछ सेकेंड के लिए पका लेंगे। अब इसमें कुछ सॉस डाल देंगे। तो 2 छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे। सॉस डालते टाइम गैस का फ्लेम लो ही रखें। 2 छोटा चम्मच टोमेटो सॉस, 1 छोटा चम्मच सेजवान सॉस, और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। तो कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, इसे कलर बहुत अच्छा आता है। तो मीडियम फ्लेम पे सॉस को 30 से 35 सेकंड के लिए पका लेंगे। तो सॉस बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें चिकन लॉलीपॉप को डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि चिकन लॉलीपॉप पे सॉस की अच्छी सी एक कोटिंग आ जाए। लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा प्याज डाल देंगे। ये इसमें टोटली ऑप्शनल है, पर अगर घर में हो तो इसे जरूर डालें, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिला देंगे इसको। अब ये बनके बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए।
वैसे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर इसे थोड़ा सा सजा देते हैं ताकि ये देखने में भी बहुत अच्छी लगे। तो छोटा छोटा सिल्वर फॉइल लेंगे और इसे नीचे साइड में इस तरह से लपेट देंगे। ये देखिए, अब इसकी अच्छे से प्लेटिंग कर देते हैं। खाने की प्लेटिंग अगर अच्छी हो तो खाने का मजा दुगना हो जाता है, और यकीन मानिए ये बाजार के चिकन लॉलीपॉप से कई गुना टेस्टी बनती है। तो आप भी इसे घर में जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मेरे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।